दुबई दारुल हुकूमत जहरीली धुंध के लपेट में, सुबह के निस पर दिन के वक्त फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड, गुलबर्ग 681 AQI के साथ आलूदा तरीन इलाका करार। पंजाब यूनिवर्सिटी और गिरदोनवा में AQI 484 रिकॉर्ड, कोटलखपत में आलूदगी का तनासब 474 रिकॉर्ड किया गया है। आंखों में जलन और सर दर्द की शिकायत आम होने लगी। फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों को फौरी गिरफ्तार करें। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी वाले तमाम प्रोजेक्ट्स बंद करें। जस्टिस शाहिद करीम पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात को आग लगाने पर बरहम। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत, हाई कोर्ट ने डेप्यूटी कमिश्नर को कल तलब कर लिया। माहौल को आलूदगी से पाक करने और साफ पानी को बचाने का मिशन, जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना होने वाले 250 पट्टे सील। पंजाब भर के 4067 ईंटों के भट्टों की इंस्पेक्शन की गई, मालिकान को 2,74,00,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए। जुडिशियल कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। डेंगू मच्छर बेकाबू होने लगा, लाहौर में डेंगू एक और जान ले गया। डेंगू बुखार से मुतासिर 347 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू से मजीद 2 अमवात हुई, 440 नए केसेस सामने आए। सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के 1,401 मरीज दाखिल हैं। डेंगू के मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात में इजाफा, सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 1,943 बेड्स मुख्तस। मेयो अस्पताल में 177, जिना अस्पताल में 143, जनरल अस्पताल में 91 और गंगाराम अस्पताल में 38 बेड्स खाली। डेंगू पर काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। तिब्बी सहूलियात में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा मरीजों की अद्वियात वाफिर मकदार में मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का इजलास। कोरोना के वार थमने लगे, मूजी वायरस से लाहौर में मजीद एक मरीज जा बहा, 63 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में कोरोना से मजीद 5 अमवात, 115 नए केसेस सामने आ गए। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड। अब 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाई जाने की इजाजत। बच्चों को वैक्सीन लगाने का आगाज 15 नवंबर से होगा। लाहौर हाईकोर्ट में भत्ताखोरी केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर फयाज अहमद देव पेश हुए। 3 बार मुतल्लिका SP इन्वेस्टिगेशन को बुलाया लेकिन नहीं आए। अदालत के रिमार्क्स, CCPO लाहौर ने अदालत से माजरत कर ली। हाई कोर्ट का मुलजिम की वीडियो का फॉरेंसिक करवाने का हुक्म। अमरीकी डॉलर के रुपए पर मुसलसल वार, इंटरबैंक में डॉलर 82 पैसे मजीद महंगा। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 173.75 रुपए का हो गया। रवां कारोबारी हफ्ते में डॉलर 3.74 रुपए महंगा हो चुका। गैर मियारी LPG सिलेंडर टैंकर बनाने और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। गैर मियारी सिलेंडर रखने पर 10,00,000 रुपए जुर्माना और मुलजिम की जमानत नहीं हो सकेगी। गैर मियारी सिलेंडर लाने और लेकर जाने वाली गाड़ी भी जब्त होगी। ओगरा के गैर मियारी सिलेंडर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम। डिस्प
प्रॉस्पेरिटी अलाउंस दो, मुलाजमीन को रेगुलर करो। एप्का मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट चौक में दूसरे रोज भी धरना, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डीसी उमर शेर चट्टा के मुजाकरात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासर। मेयर लाहौर ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दो इजलास तलब कर लिए। पहला इजलास 13 नवंबर, दूसरा 15 नवंबर को होगा। तारीख में पहली बार पास शुदा बजट दोबारा पास किया जाएगा। 14 अरब का बजट 31 जुलाई 2021 को मंजूर हुआ। दोबारा 2013 एक्ट के तहत ششماہی बजट मंजूर किया जाएगा। चीफ कॉरपोरेशन ने बजट इजलास की इजाजत दे दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 400 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने से मुतालिक इंतजामिया का फैसला कलअदम करार दे दिया। 10 साल से मुलाजमत कर रहे हैं लेकिन मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, मुतासरा मुलाजमीन का अदालत में बयान। NA-133 जिमनी इलेक्शन में जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मामला। जस्टिस शाहिद वहीद ने जमशेद इकबाल चीमा का केस सुनने से माजरत कर ली। जाती वजूहात की बिना पर केस को नहीं सुनना चाहता। जस्टिस शाहिद वहीद ने फाइल दूसरे बेंच को भिजवा दी। सालाना तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आज से आगाज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 27 SHO समेत 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों से दाखिले और खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग होगी।